जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो कि 21,391 पदों पर आई है, उसके लिए आज से स्पेशल जनरल साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप लोगों का फुल सपोर्ट रहा तो कंटिन्यू ऐसे ही ये क्लास एग्जाम तक चलते रहेगा। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, ये बिहार पुलिस 2023 के लिए क्लास टाइमिंग लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सभी क्लास के PDF और जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं सभी टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध क्रमशः होते हैं। बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक आदर्श एमीटर। तो देखिए, एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है ये शून्य होता है, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, शून्य और अनंत। दूसरा प्रश्न है, एक माध्यम का अपवर्तनांक m किस पर निर्भर करता है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करेगा। तो याद रखिएगा, माध्यम के तापक्रम पर, आपतित किरण का तरंग दैर्ध्य पर, माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था यानी कि उपर्युक्त सभी पर निर्भर करेगा किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और हम लोग हर तरह के प्रश्नों को कवर करेंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल हर तरह के प्रश्न होंगे इस प्रैक्टिस सेट में। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा लीवर, जिसको यकृत भी कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि की बात करें तो याद रखिएगा ये है मिश्रित ग्रंथि। पूछा जाएगा एग्जाम में कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करें तो इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और थायराइड ग्रंथि की बात करें तो ये गले में पाई जाती है। आप लोग कमेंट करके बताइए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आगे देखिए, गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल टेंथ आधारित प्रश्न है और NCERT पर आधारित है। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा, गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को न्यूटन के गति का पहला नियम भी कहा जाता है, और इसी नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और ऑप्शन डी में है न्यूटन का तीसरा नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया बल का नियम भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। चलिए फटाफट से पांच के लिए आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए में दिया है लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी, डाक टिकटों का संग्रह, एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, और डी में है आइक्रोनोग्राफी, कीट पतंगों का अध्ययन। तो कौन सी जोड़ी सुमेलित है, तो याद रखिएगा ये है लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन, ये जोड़ी सुमेलित है, बाकी ये सभी जो है तीनों गलत है। आगे देखिए, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। चलिए छः के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं, अगर आप लोगों को पहले से पता है तो सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका रिविजन होगा। और जिसको नहीं पता है आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए, जिससे आपका नोट्स तैयार होगा और एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारे प्रश्न आपके नोट से भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, तो याद रखिएगा जीवित और मृत दोनों जानवरों का, यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए, जंतु विज्ञान के पिता कौन है, नोट कर लीजिए अरस्तु। जंतु विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, थियोफ्रिस्टस। याद रखिएगा, जंतु विज्ञान के अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रिस्टस, सभी को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, कैरोलस लिनियस किस देश के निवासी थे।
शायद आपको याद होगा कैरोलस लिनियस कौन है, तो वर्गीकी के पिता है, इसे भी नोट कीजिए, वर्गीकी के पिता कौन है, तो कैरोलस लिनियस। और ये किस देश के निवासी थे, तो याद रखिएगा ये स्वीडन के निवासी थे। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आठवें प्रश्न का आंसर क्या होगा, वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है जीवाणुओं में, तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, याद कर लीजिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो याद रखिएगा यह है केंद्रक झिल्ली, सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, केंद्रक झिल्ली ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। चेचक किस वायरस के कारण होता है, चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग करंट अफेयर्स या फिर टॉपिक वाइज जीके जीएस या फिर लुसेंट बुक से जीके जीएस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, उस चैनल पर डेली शाम 7:30 बजे क्लास चलती है, उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चेचक किस वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी में दिया हुआ है वेरिसेला जोस्टर वायरस, बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। चेचक के टीके की खोज किसने किया था, तो पूछा जाता है एडवर्ड जेनर ने, याद रखिएगा। और रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो लुई पाश्चर ने, सभी को ध्यान रखेंगे। फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, देखिए फंजाई का मतलब होता है कवक, और याद कीजिए हमने आपको बताया था कवक की कोशिका भित्ति और पादप की कोशिका भित्ति के बारे में, तो देखिए पादप की जो कोशिका भित्ति होती है सेल्युलोज की बनी होती है, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, और फंजाई यानी कि कवक की कोशिका भित्ति ये काइटिन की बनी होती है, यहाँ पे सही कर लेंगे, क्या होगा काइटिन, काइटिन की बनी होती है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो लिख लीजिए माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है, और शैवाल का अध्ययन पूछे तो फाइकोलॉजी। लाइकेन क्या है, चलिए 12 के लिए आंसर बताइए, लाइकेन क्या है, तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, लाइकेन एक प्रकार का क्या है, स्वपोषी है, और लाइकेन से क्या बनता है, तो लिटमस पत्र प्राप्त होता है लाइकेन से। दूध को दही में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, चलिए आंसर बताएंगे, और दूध में कौन से शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध को दही में परिवर्तन करने के लिए कौन से जीवाणु आवश्यक है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु, इसी के कारण दूध जो है दही बनता है। और यहाँ पे पूछता है कि दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो खमीरीकरण, याद रखिएगा। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं, चलिए 14 के लिए आंसर बताइए, पानी से लोहा और मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है क्लोरीनीकरण, याद रखिएगा क्लोरीनीकरण के द्वारा हटाया जाता है। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं तो इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होगा, देखिए अल्फा कण क्या है, तो हीलियम के नाभिक को ही अल्फा कण कहा जाता है, और इसका द्रव्यमान जो होगा ये होगा हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किस सिद्धांत द्वारा, तो दोस्तों परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम जो नियंत्रित होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अफबाउ सिद्धांत पर, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, आप लोग कमेंट करके बताइए परमाणु सिद्धांत को किसने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा
जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O, और CaSO4 × 1/2H2O बोले तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, और CaOCl2 बोले तो विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। यहाँ पर आंसर क्या होगा? एंथोलॉजी, ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं सही जवाब है। एंथोलॉजी में क्या किया जाता है? तो इसमें कीट का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ये सबसे आसान प्रश्न है और आई थिंक इस प्रश्न का आंसर सभी को आता होगा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? रेशम कीट पालन से। मधुमक्खी पालन की बात करें तो इससे संबंधित है एपीकल्चर। मत्स्य पालन पूछा जाता है पीसीकल्चर। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलिए आप सभी 20 के लिए आंसर कीजिए। और दोस्तों आप सभी डेली क्लास अटेंड कीजिए क्योंकि बहुत ही जल्द बिहार पुलिस का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, फिर आपके पास तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए बिल्कुल भी समय की बर्बादी ना करें। तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए कोशिका की बात करें तो कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन याद रखिएगा मृत कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज किया था किसने? तो ल्यूवेन हॉक ने। साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो किसके अध्ययन से संबंधित है? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया दोनों प्रश्न एक ही है, आंसर क्या होगा? कोशिका। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है कोशिका। रक्त की बात करें तो देखिए रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और रक्त में लगभग 55% क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा। पूछा जाता है एग्जाम में कि रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? तो 55%। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलिए 22 के लिए आंसर बताएंगे और हम लोग धीरे धीरे प्रश्न के लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एंटोमोलॉजी। और ये प्रश्न पूछा गया था तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जियोलॉजी के अंतर्गत भूगर्भ अध्ययन होता है। मक्का का दाना क्या है? चलिए आंसर कीजिए, मक्का का दाना क्या है? तो सही जवाब है ये एक प्रकार का वास्तविक फल है। आगे देखिए अवांछनीय पौधों को क्या कहते हैं? चलिए 24 के लिए आंसर बताइए, अवांछनीय पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहा जाता है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी होती है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, याद रखिएगा 5। कौन कौन से हैं? तो आग, जल, वायु, क्षितिज, गगन, आप सभी जानते हैं, और इसी को पंच तत्व भी कहा जाता है। पौधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं किस प्रकृति का होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। चलिए 28 के लिए आंसर बताइए, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला क्या है? तो याद रखिएगा ये है फास्फोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H3PO4। आगे देखिए एंजाइम कैसा पदार्थ है? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए, एंजाइम कैसा पदार्थ है? तो याद रखिएगा जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं एंजाइम।
आगे देखिए, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो दोस्तों, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा, अस्कंदन प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी की बात की जा रही है, तो इसमें क्या अनुपस्थित होगा? तो आप सभी जानते हैं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड अनुपस्थित होगा, और इसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है सीएनजी में। वीटी कल्चर किससे संबंधित है? तो बहुत ही सिंपल है, वीटी कल्चर ये किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं, ये अंगूर की खेती से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो ये होता है विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिसके कारण जहाँ पर चोट लगता है वहाँ से रक्त जो है अत्यधिक मात्रा में बाहर निकलने लगता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन ई का है टोकोफेरॉल। यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH है। तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, OH किस में होता है? ये होता है अल्कोहल में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है? तो भीतर पूछा जा रहा है, तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो है ये होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, और अंदर पूछे तो उत्तर से दक्षिण की ओर, जस्ट उल्टा होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आप सभी जानते हैं टेस्ला होता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। तो जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। आंसर यहाँ पे होगा स्थितिज ऊर्जा। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, स्थितिज ऊर्जा होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। रावत भाटा पूछा जाता है राजस्थान में है, तारापुर पूछे महाराष्ट्र में है, और काकरापार पूछे तो गुजरात में है। आगे देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आप सभी जानते हैं गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। अगर वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी 20 होगा। आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो आवर्धन का ऋणात्मक मान जो है ये बताता है वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। आगे देखिए, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? देखिए, वस्तु कैसा है? वास्तविक है, लेकिन प्रतिबिंब बनाना है आभासी, तो ये किस में होगा? आप सभी जानते हैं ये होगा समतल दर्पण में। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, समतल दर्पण में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें।